नूह जिले के गांव खेड़ी कला में राजस्थान की रहने वाली एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें ससुराल पक्ष के 12 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि हमीद की करीब 7 साल पहले खेड़ी कला निवासी शहनाज के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी में अनबन रहती थी। करीब 3 महीने पहले शहनाज नाराज होकर अपने मायके चली आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि हमीद की सास ने 23 जनवरी को फोन कर उसे ससुराल बुलाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर आत्महत्या दिखाने के लिए घर में ही लटका दिया गया। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि मृतक के पिता की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसको घर पे बुलाया था, इसके 8-7 साल पहले शादी हुई थी, वहाँ बुलाया था तो जानना से जेवर चढ़ाए हुए, जेवर के ऊपर भेजते नहीं थे, वहाँ रख लिया। तो कई बार मुकदमा किया, उनने भी लड़ाई हुई, तो जानना से 5-6 साल से लड़ाई चल रही है, अनबन थी। अब के वहाँ उनके माँ बापों ने वह पीटी थी, घर पे चली गई। तो जब से वह चली गई जान से राजी हो गई, और वह घर पे आई तो एक लड़का भी होगा 5-6 महीने का है, और जानने से लड़का हुआ है। अब घर पे बुलाए, गाड़ी पर चला गया, 50,000 रुपये थे, तो घर पे बुलाया तो घर पे जा रही नहीं, उस लड़के को मार दिया।